डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पावर जनरेशन ME 305 चैप्टर नंबर 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मुख्य अवयव होते हैं उनको हम 7 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूल यानी नाभिकीय ईंधन, सेकेंड इज मॉडरेटर मंदक, थर्ड इज कंट्रोल रोड्स नियंत्रक छड़ें, और फोर्थ इज रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक, फिफ्थ इज रिएक्टर वेसल यानी रिएक्टर पात्र, सिक्स इज शील्डिंग यानी आवरण, एंड सेवन इज कूलेंट यानी शीतलक। नाउ वी विल टेक वन बाय वन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, द फर्स्ट एलिमेंट इज न्यूक्लियर फ्यूल यानी नाभिकीय ईंधन। प्रकृति में नेचुरल यूरेनियम 3 तरह के पाए जाते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 234। इन सब में यूरेनियम 235 है जो मोस्ट अनस्टेबल होता है और चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है, इसलिए इनको प्राइमरी फ्यूल नाम दिया जाता है। और यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं थोरियम 232 और यूरेनियम 238 के द्वारा। जो फ्यूल है हमारा ये कोरोजन और इरोजन से प्रोटेक्ट होना चाहिए। द सेकेंड मेन एलिमेंट इज मॉडरेटर यानी मंदक। जो चेन रिएक्शन होती है उसमें जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए स्पीड को उनको मॉडरेट करने के लिए मॉडरेटर काम में लिए जाते हैं। ग्रेफाइट, हैवी वाटर और बेरिलियम मेनली मॉडरेटर की तरह काम में लेते हैं। जिन रिफ्लेक्टर्स में एनरिच्ड यूरेनियम काम में लिया जाता है उनको मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होती है। एक मॉडरेटर की क्वालिटीज़ के रूप में इनकी हायर थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, हायर मेल्टिंग पॉइंट हो, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, और इट शुड बी एबल टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। थर्ड मेन एलिमेंट इज कंट्रोल रोड्स। जो कंट्रोल रोड्स होती हैं वो न्यूट्रॉन्स के स्पीड को कंट्रोल करती हैं। जब कंट्रोल रोड को ज़्यादा अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो न्यूट्रॉन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और स्पीड अगर बढ़ानी हो तो उसको कंट्रोल रोड्स को बाहर खींच लिया जाता है। बोरोन और कैडमियम की जो छड़ें हैं वो मेनली कंट्रोल रोड्स के रूप में काम में ली जाती हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट इज रिफ्लेक्टर। जो न्यूट्रॉन्स हैं फिशन प्रोसेस के दौरान कुछ तो फ्यूल द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, कुछ मॉडरेटर और कुछ कूलेंट द्वारा। तो जो न्यूट्रॉन्स अनएब्जॉर्ब रहते हैं वो रिएक्टर कोर के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इसको रिएक्टर को सराउंडिंग किया जाता है एक मटेरियल से जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, जो न्यूट्रॉन्स को वापस रिएक्टर कोर में भेज देता है। ज़्यादातर रिफ्लेक्टर के रूप में ग्रेफाइट और बेरिलियम काम में लिया जाता है। द नेक्स्ट मेन एलिमेंट इज रिएक्टर वेसल। ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्ड कंटेनर यानी पात्र होता है जो इसके अंदर मॉडरेटर, रिफ्लेक्टर और थर्मल शील्डिंग और कंट्रोल सारी चीज़ें विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज शील्डिंग यानी आवरण। न्यूक्लियर फिशन के दौरान अल्फा बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और गामा रेज रिलीज होती हैं। ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। इनसे बचने के लिए एक थिक लेयर जो लेड और कंक्रीट की प्रोवाइड की जाती है रिएक्टर के चारों तरफ, जो गामा रेज को रोकने में कामयाब होती है। इसी तरह से मेटल्स या प्लास्टिक की जो थिक लेयर्स हैं वो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को रोकने में सक्षम होती हैं। द नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कूलेंट। जो कूलेंट है वो रिएक्टर कोर के अंदर से और चारों तरफ से फ्लो होता है, यही हीट को ट्रांसफ़र करता है वाटर के लिए जो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और यही स्टीम टरबाइन को चलाने में काम में ली जाती है। जनरली हम तीनों प्रकार के कूलेंट काम में लेते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। जो लिक्विड कूलेंट हैं उनमें वाटर, जिसमें लाइट वाटर और हैवी वाटर काम में लेते हैं। गैस के रूप में हम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, और जो सॉलिड कूलेंट के रूप में हम लिक्विड मेटल्स जैसे सोडियम और मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फ्लूड्स भी काम में लेते हैं।